हेलो एंड वेलकम टू RLRX नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपके लिए एक्सेल का एक ऑसम फॉर्मूला लेकर आया हूं और उस फॉर्मूले का नाम है रिवर्स टेक्स्ट या फिर नंबर्स या अपने टेक्स्ट के ऊपर फ्लिपिंग करना या फिर उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एक्सेल के अंदर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है या कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिससे आप अपने लिखे हुए डेटा को रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसफर कर सकें या कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए मैंने एक VBA मैक्रोज का यूज किया है जिसको मैं आपको यूज करना इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। और ये मुझे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर जितेश जी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाती है जहां पर हमें अपने नंबर्स को या फिर हम अपने टेक्स्ट को रिवर्स करना पड़ता है तो हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो है। जितेश जी, आप इस वीडियो को देखें, सीखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके सभी दोस्त आप ही की तरह एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। तो ये मैंने किया कैसे, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक कोडिंग तैयार की है, मैक्रोस कोडिंग, जिसकी हेल्प से मैंने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। और वो कोडिंग क्या है मैंने यहां पर अपनी नोटपैड के अंदर लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये कोडिंग जो है मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकें और अपना भी एक रिवर्स टेक्स्ट फॉर्मूला बना सकें। तो मैं क्या करूंगा, इस कोडिंग को अपने एक्सेल के अंदर मैक्रोस के अंदर डालूंगा और उसके बाद रिवर्स टेक्स्ट को यूज करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको हटा देता हूं और उसके बाद क्या करूंगा, अपने डेवलपर टैब के अंदर जाऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डेवलपर टैब एक्टिवेट करना सिखाया था, अगर आपको नहीं पता है कि डेवलपर टैब कैसे एक्टिवेट करते हैं तो आप उस वीडियो को देखकर डेवलपर टैब एक्टिवेट करना सीख सकते हैं। और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से सीख सकें। उसके बाद मैंने क्या किया, डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको मैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को यूज करना सिखाऊंगा। और सबसे पहले ऑप्शंस पर आता है विजुअल बेसिक। ये वो जगह होती है जहां पर आप एक्सेल को उस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन नहीं किया है या जो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। और ये इसको ओपन करने के लिए आप चाहें तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं जो है ऑल्ट फंक्शन 11। जैसे आप यूज करने के लिए यूज करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा और यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी शीट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहता हूं कि रिवर्स टेक्स्ट का जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा वो शीट वन पर चाहता हूं तो मैं शीट वन सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी इस वर्कबुक के ऊपर अप्लाई हो तो मैं यहां से वर्कबुक सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही तीन ऑप्शन हमारे सामने हाईलाइट होंगे जिसमें से मैं मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ब्लैंक पेज खुलकर आ जाएगा। और इस ब्लैंक पेज के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपनी कोडिंग को पेस्ट करूंगा। मैं इस अपनी कोडिंग को करूंगा कॉपी और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। और इसके अंदर जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पर देख रहे हैं फंक्शन रिवर्स टेक्स्ट, यानी कि ये जो फॉर्मूला मेरा बनेगा उस फॉर्मूले का नाम होगा रिवर्स टेक्स्ट। और उसके बाद पेस्ट कर देने के बाद मैं इसको सिंपल कर दूंगा क्लोज, और क्लोज करने के बाद मेरा रिवर्स टेक्स्ट फॉर्मूला हो चुका है तैयार। और मैं क्या करूंगा, इस रिवर्स टेक्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, उसके लिए टाइप करूंगा इज इक्वल टू RE। ये देख रहे हैं आप, लास्ट में एक रिवर्स टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप एक्सेल 2007 और उससे अबव के जितने भी एमएस ऑफिस के वर्जन आए हुए हैं उसमें ये एक बहुत खूबसूरत फीचर है कि जब भी आप कोई फॉर्मूले का अल्फाबेट टाइप करते हैं तो उस अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं उसके अंदर वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो मैं यहां पर टाइप करूंगा रिवर्स टेक्स्ट और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आप अपने कौन से टेक्स्ट को रिवर्स करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये जो मेरा हेलो है ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। देख रहे हैं आप, इजिली HELLO को उसने कर दिया OLLEH। ये अल्फाबेट के ही ऊपर नहीं बल्कि नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, डेट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, सबके ऊपर अप्लाई होता है। और मैं इसको करता हूं कॉपी और पेस्ट। देख रहे हैं आप, इन नंबर्स को भी रिवर्स कर दिया। मैंने अपना नाम लिखा हुआ था, देख रहे हैं आप मेरे खूबसूरत नाम को इसने कैसा बना दिया कि समझ में भी नहीं आ रहा। सो इसने डेट को भी रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। मैंने यहां पर एक और नंबर लिया था, इसने इस नंबर को भी रिवर्स में कर दिया। इस चीज को बोलते हैं फ्लिपिंग या फिर रिवर्सिंग।
किसी भी डेटा को रिवर्स करना या फिर उसको फ्लिप कर देना, बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल के अंदर हम फ्लिपिंग या फिर डेटा को रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी बनी है, आपको कैसी लगी है, इसके लिए आप मुझे कॉमेंट्स भी करें। तब तक के लिए गुड बाय।